नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। साधु साधु साधु, हमारे आचार्य को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु, श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग मज्जिम निकाय पर हम लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं, धर्म को सीख रहे हैं। मज्जिम निकाय में हम लोगों ने एक लगभग 7-8 सूत्रों पर हमने चर्चा कर ली, और आज हम लोग संलेख नाम का सूत्र है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, संलेख सूत्र पर चर्चा करेंगे। एवं मे सुतम एकं समयं भगवान सावध्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे। एक समय ने ऐसा सुना कि भगवान बुद्ध जी, ऐसा मैंने सुना है कि भगवान बुद्ध जी अनाथ पिंड के जेतवन आराम में, जेतवन में विराजमान थे। अतखो आयस्मा महाचुंदो सायन समयं पटिसल्लाना उठितो येन आयस्मा तेनु संकवि। उस समय भद्देचुंद जो है महाचुंद, वे आए और उन्होंने भगवान बुद्ध जी के पास आकर, शाम के समय में आए और भगवान बुद्ध जी के पास आकर उन्हें नमन किया और एक तरफ बैठ गए। एक तरफ बैठे हुए महाचुंद भंते भगवान बुद्ध जी को कहते हैं, भगवान बुद्ध जी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? या इमा भंते अनेक विहिता दिट्ठियो लोके उपजंती, कि भंते इस लोक में भिन्न भिन्न प्रकार की दृष्टियां जो है उत्पन्न होती है। अत्तवाद पटि संयुक्ता वा लोकवाद पटि संयुक्ता वा, एक तो है मैं आत्मवाद से जो युक्त हुआ है ऐसी दृष्टियां उत्पन्न होती हैं, लोकवाद के वो लोकवाद से युक्त दृष्टिया उत्पन्न होती है। आदिमेव नुखो भन्ते भिक्कुनो मनसि करो तो एवमेता संग दिट्ठिनं पहानं होती। भन्ते हमने ऐसा क्या करना चाहिए, भिक्षुओं ने ऐसा कौन सा चिंतन करना चाहिए, कौन सा ऐसा मनन करना चाहिए कि जिस कारण से ये जो दोनों प्रकार की दृष्टियां हैं, आत्मवाद की दृष्टि और लोकवाद की दृष्टि, इन दोनों दृष्टियां पहानं होती, प्रहीन हो जाना चाहिए। दिट्ठि नंग पटि निसग्गो होते, दिट्ठि से मुक्त हो जाना चाहिए, छोड़ जाना चाहिए, छूट जानी चाहिए। ऐसा कौन सा भाव है करके, ऐसा क्या चिंतन करना चाहिए? तो इस संलेख सूत्र में विशेष करके आप देखिए, भगवान ने ये बताया है कि व्यक्ति ने ये जो दृष्टि है, इन दृष्टियों को दूर करने के लिए, आत्मवाद की दृष्टि और लोकवाद की दृष्टि को निकाल देने के लिए जो चिंतन मनन करना चाहिए, हमने हमारे मन में जो सोचना चाहिए, उसके बारे में यह धर्म का उपदेश है। तो भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं भगवान, कि या इमा चुंद चुंद, यदि कोई ये जो अनेक विहिता दिठ्या लोके उपजंती, ये जो इस लोक में अनेक प्रकार की जो दृष्टियां उत्पन्न होती हैं, इन दृष्टियों के बारे में यथ चेता दिठ्यो उपजंती तथा च अनुसेंती च समुदा चरंती च, उस समय हम लोगों ने चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। नेतं मम, ये मैं नहीं, नेसो हमस्मि, ये मेरा नहीं, न मेसो अत्ताति, और ना ही मेरा आत्मा है। एवमेतं यथाभूतं सम्मपज्ञा पश्यन्तो पश्यतो एवमेता संग दिट्ठिनं पहानं होती। जब कोई व्यक्ति, जब हम भिक्षु इस तरह से दर्शन करता है, इस तरह से चिंतन करता है, नेतं मम, ये मैं नहीं, नेसो हमस्मि, ये मेरा नहीं है, न मेसो अत्ताति, ये मेरी आत्मा नहीं है। हम इस लोक में देखिए ना, हर एक वस्तु में, हर एक चीज में मैं, मेरा और मेरी आत्मा पकड़ के रखे हैं। इस शरीर में, शरीर के बाहर ये जो वस्तु है, भौतिक वस्तु है, इस संपूर्ण लोक में अपना बंधन बांधे रखे हैं, है ना। इसी के लिए तो देखिए, का आंख में हम अपने अपनी आत्मा को देखते हैं, कान में हमारी अपनी आत्मा को देखते हैं, इस तरह सा भाव बंधा हुआ है संसार के कारण।
तो उस दृष्टियों को यदि कोई व्यक्ति सम्यकता से सम्यक पश्यन्तो पश्यतो सम्यक प्रज्ञा से सही तरह से प्रज्ञा से चिंतन करता है, तो इस तरह की जो दृष्टि है वह प्रहीन हो जाती है, खत्म हो जाती है, पटिनिस्सक होती है, उससे वह व्यक्ति छूट जाता है करके भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, ठानं खो पनेतं चुंद, हे चुंद ध्यान में रखो, विजति यं इच्छे इधे कच्चे भिक्खु विविच्चेव कामी विविच्चेव कुशले इदम्मे सवितक्कं सविचारं प्रीति सुखं पठमं ज्ञानं उपसंपज्जेत। देखो चुंद, कि यदि कोई यहाँ भिक्षु काम से मुक्त होकर, काम से दूर होकर, अकुशल धर्मों से दूर होकर, सवितर्क सविचार से, विवेक से युक्त होकर, जो प्रीति सुख से उत्पन्न होने वाला पहला ध्यान है, इस ध्यान में जीवन जी रहा है, विहरण कर रहा है, तस एवं अस सल्लेखेन विहरामीति। यदि वह ऐसा कहे कि मैं सल्लेख से यानी तप या श्रेष्ठ साधना जो है, या फिर त्याग करने वाला जो भाव है, जो कह सकते हैं ना, ऐसा ऐसा चिंतन करता है, तो वह दृढ़ धारणा हो गई या तप हो गया। सल्लेख का मतलब होता है एक तो सर्वस्व त्याग के लिए जो दृढ़ संकल्पित होना है, छोड़ देना है, या तप करना है, उग्र तप जिसे कहते हैं, उस तरह से। तो कोई यदि भगवान कहते हैं कि चुंदर, जब कोई भिक्षु प्रथम ध्यान में निवासित है, तब हम ये नहीं कह सकते कि वह सल्लेख से जीवन जी रहा है करके। ध्यान में युक्त होना यानी सल्लेख का जीवन नहीं है। उसे यदि कोई उस इस आर्य विनय में नखो पनेते चुंद आर्यस विनये सल्लेखा उच्चंती चुंद, इस आर्य विनय में, बुद्ध के शासन में, उसे सल्लेख नहीं कहते, उसे क्या कहा जाएगा? तो दिट्ठ धम्म सुख विहारा, कि वो इसी जीवन में सुख पूर्वक विहरण करने वाला व्यक्ति है, ऐसा कहा जाएगा, उसे हम सल्लेख नहीं कहेंगे। फिर भगवान आगे कहते हैं कि आनंद चुंदर महाचुंदर, जब कोई भिक्षु द्वितीय ध्यान को, दूसरे ध्यान को पाता है, और यदि वो कहे कि मैं इस द्वितीय ध्यान के कारण सल्लेख से जीवन जी रहा हूं, सल्लेख में जीवन जी रहा हूं, ये तप का तप है, दृढ़ संकल्प से जीवन जी रहा हो, तो उसे नहीं कहा जाएगा कि वो दृढ़ संकल्प है या तप है, उसे कहा जाएगा कि वो समाधि सुख में इसी जीवन में वास करने वाला है। फिर कहते हैं कि तीसरे ध्यान में, एक एक करके ध्यान की विशेषता बताई गई है इस सूत्र में, और फिर उस ध्यान के बारे में बताया। तो तीसरे ध्यान में, तो यदि कोई भिक्षु कहता है कि यदि मैं तीसरे ध्यान में प्राप्त हो, तीसरे ध्यान को पाया हो, तो मैं सल्लेख में सल्लेख का जीवन जी रहा हो, तो भगवान कहते हैं नखो पनेते चुंद, ये भी चुंद सल्लेख का जीवन नहीं, इसे इस बुद्ध शासन में, इस आर्य धर्म में सुखपूर्वक इसी जीवन में जीने वाला कहा जाएगा। फिर कहा है कि चतुर्थ अदुखम सुख उपेक्षा सति परिशुद्धम चतुर्थं ज्ञानं उपसंपज्ज विहरति, कि सुख और दुख से संपूर्णता दूर होकर, उपेक्षा से युक्त होकर, स्मृति से परिशुद्ध होकर, जो चतुर्थ ध्यान है, उस चतुर्थ ध्यान में यदि कोई निवास कर रहा है, तो यदि वो कहता है कि मैं संलेख का जीवन जी रहा हूं, तो वो भी संलेख का जीवन नहीं, उसे कहा जाएगा कि दिट्ठ धम्म सुख विहारी। फिर आगे कहा है, इन बातों को ध्यान में रखो, क्या कि भिक्खु सब्बसो रूप संज्ञानं समतिक्कमा पटिक संज्ञानं अर्थांगमा नानत संज्ञानं अमनसिकारा। क्या कहते हैं कि यह जो रूप संज्ञा है, जितनी भी रूप के बारे में संज्ञा है, इन सबको, इन सब से आगे बढ़कर, दूर छोड़ देने उससे भी आगे बढ़कर, पटिग संज्ञा जो क्रोध की संज्ञा है, तो द्वेष है, उसका संपूर्णता विनाश करके, यानी समूलता नष्ट होकर, उस समय जिस समय वो ध्यान में है, उस समय नष्ट है, तांगम हो गया है, नानत संज्ञानं अमनसिकारा, भिन्न भिन्न जो संज्ञा है इसका अमनसिकार करते हुए, कि कुछ भी चिंतन न करते हुए, अनंतो आकाश होती कि आकाश अनंत है, ऐसा चिंतन करता है, तो वह आकाश संचायतन उपसंपज विहरे, तो आकाश अनंत है ऐसा चिंतन करता है, ठीक है। तो ये जो आकाश अनंत अनंत है, ये पांचवा ध्यान के ऊपर समझो, तो ये भी संलेख नहीं है करके भगवान। फिर कहते हैं
कि सब सो आकाश अनंतायतनम समतिकम, ये आकाश अनंतायन की संज्ञा भी संपूर्णता खत्म हो गई। अनंतं विज्ञानंति, विज्ञान अनंत है करके इस तरह से चिंतन करता है, ये भी संलेख नहीं है। उसके बाद में कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि उसके बाद में यदि कोई उसे छोड़कर आकिंचायतन यानी सब कुछ अकिंचन शून्य है सब कुछ ऐसा धर्म का ऐसा भी चिंतन करता है तो वह भी संलेख नहीं होगा, उस सुख में भी रहता है तो भी संलेख नहीं होगा। इसे इस लोक में उसे कहते हैं जैसे चौथे ध्यान तक तो दृढ़ धम्म सुख विहारी कह सकते हैं, पर उसके बाद में कहा है संता एति विहारा कि इस जीव इस लोक में शांत होकर संत बनकर वह विहरण कर रहा है। हम जो कहते हैं ना कोई संत मुनि है संतगण है तो वो संत क्या है, तो संता जो है एते विहारा अर्यस विनय उच्चति, यदि कोई ऐसे रूप ये जो ध्यान है आकाश अंचायतन ध्यान को प्राप्त किया है तो वो शांत बनकर संत बनकर उस तरफ से शांत सुख पूर्वक का जीवन जो जीना है वह जी रहा है कहते हैं। उसके बाद में कहा है कि आकाश अनंत होकर वो उसको भी पार करके विज्ञान अनंत अनंत है उस तरह का यदि धर्म करता है तो उसे भी शांत विहरण करने वाला कह सकते हैं। उसके बाद में कहा है कि आकिंचायतन सब कुछ शून्य है उस तरह से चिंतन करता है तो भी कहेंगे कि वह सुख विहारी है करके या संता विहारी कहेंगे। उसके बाद में कहा है कि ये जो शून्यता से भी परे जाकर नेव संज्ञा ना संज्ञा है कि कोई भी संज्ञा नहीं कुछ भी ऐसा भाव नहीं है तो ऐसे इसमें भी हम कह सकते हैं कि वो सुखपूर्वक रहता है, इसे संलेख नहीं कहा है भगवान ने। भगवान कहते हैं इदेको पन वो चुंद संलेखो करणीयो, चुंद संलेख जो है वो इस तरह से करनी है इस तरह से किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए तो उस संलेख को देखो, संलेख यानी दृढ़ संकल्प हो गया तप हो गया, इस तप के बारे में भगवान ने बताया है। इस सूत्र में भगवान चार प्रकार से धर्म की देशना करते हैं ठीक है, तो एक है संलेख, दूसरा है मन को चित्त को श्रेष्ठ बनाने के बारे में, उसके बाद में है सही मार्ग पर चलाने के बारे में, उसके बाद में है ऊपर की ओर ले जाना श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाने के बारे में और परिनिर्वाण को प्राप्त कराने के बारे में। इस छह प्रकार यानी पांच प्रकार से भगवान का ये संपूर्ण दृष्टि धर्म का उपदेश इसमें बताया गया है। उसमें से पहला है संलेख, ये दृढ़ संकल्प दृढ़ तप जो है, ये जो त्याग का समर्पण का ये जो अभ्यास है ये कितने प्रकार का है तो भगवान ने इसे बताया है लगभग 44 प्रकार से ठीक है। तो इनको करने से कोई हम कह सकते हैं कि संलेख का पालन करना, तो कैसे भगवान कहते हैं परे विहिंसका भविष्यन्ति मयमेत अविहिंसका भविष्यामाति संलेखो करणीयो, हमने दृढ़ संकल्प तप साधना कैसी करनी चाहिए कि दूसरे हिंसक भाव से जीते हैं मैं अहिंसक बनकर हिंसा से परे जाकर जीवन जीऊंगा ऐसा दृढ़ संकल्प ऐसा प्रण ऐसा तप धारण करता हो। दूसरे पानातिपत परे पानातिपाति भविष्यन्ति, दूसरे प्राणी हिंसा प्राणी हत्या में लगे हुए हैं मयमित्थ पानातिपाता पटिविरता भविष्यामाति संलेखो करणीयो, कि मैं इस तरह से प्राणियों की हिंसा इस तरह से प्राणियों का जो हत्या है वध है नहीं करूंगा ऐसा संकल्प लेता हूं तप करता हूं ऐसी दृढ़ धारणा को बनाता हो वो तप है जो संलेख चेतन सकते हो। उसके बाद में परे अदीनादायी भविष्यन्ति, दूसरे चोरी करते हैं दूसरे चोरी का जीवन जीते हैं मैं चोरी नहीं करूंगा ऐसा दृढ़ संकल्प लेना। दूसरे अब्रह्मचारी दूसरे अब्रह्मचर्या का जीवन जीते हैं दूसरे रति में लगे हुए काम भोग में लगे हुए हैं शारीरिक सुख के लिए लगे हुए हैं मैथुन धर्म के सुख के लिए लगे हुए हैं मैं अब्रह्मचारी रहूंगा नहीं मैं ब्रह्मचारी रहूंगा मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा करके
वह दृढ़ संकल्प होता है। तो ये जो धर्म का उपदेश है ये भिक्षुओं के लिए उस समय चुंदमनंदी जी को बताया, इसीलिए गृहस्थ में भी यदि यदि आता है तो मैं अपने विवाहित स्त्री हो या पुरुष अपने साथी के साथ ही धर्म उस धर्म का मैं तो धर्म का सेवन अन्यथा नहीं, इस तरह का संकल्प भी करते हैं तो अभी वो संलेख होगा। फिर है कि दूसरे मूसावादी, दूसरे मूसावाद बोलते झूठ बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूं। दूसरे पिशुनावाचा भविष्यति, दूसरे पिशुनावाचा जो है चुगली वाली जो है चुगली की बात करते हैं, मैं चुगली नहीं करूंगा। फरुसावाचा भविष्यति, परे दूसरे परी फरुसावाचा है यानी कठोर वाणी गाली गलौज ऐसी जो चीजें हैं उनको करते हैं, मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प लेना है। दूसरे संपप्पलापा भविष्यति, दूसरे व्यर्थ की बकवास में व्यर्थ की बिना काम की बातों में लगे हुए हैं, मैं ये नहीं करूंगा, इस तरह से दृढ़ संकल्प लेता है। उसके बाद में कहा है कि परे अभिजालु भविष्यति, दूसरे लोभी है लोभ का चित्त उनमें जानता है, मैं अलोभी होने का संलेख करता हूं, दृढ़ संकल्प लेता हो दृढ़ निश्चय लेता हो, मैं तब करता हूं किसका कि मैं अलोभी बनूंगा लोभी नहीं रहूंगा। ये धर्म बड़ा सुंदर है, ये जो 44 प्रकार से जो भगवान ने बताया शुद्धियां परिशुद्ध होने के बारे में, हम इसको देखें तो देखते हैं भगवान ने ऐसी एक बुराई एक गंदगी नहीं छोड़ी है जो मनुष्य के चित्त में लगी ना हो। ये संलेख जो है तप करना जो है तप करना साधारण नहीं है, तप करने का भाव दृढ़ संकल्प कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं मांस मछली नहीं खाऊंगा, ये वाली बात नहीं, मैं इतने दिन का उपवास रखूंगा, ये वाला तप नहीं, ये जो भीतर की अभ्यंतर की अंदर की जो गंदगी है इसको छोड़ना जो है उसे कहा है तप। तो जिस दिन उपोषित का पालन करते हैं उस दिन आप देखो कि इनमें से किसी गंदगी को आपको चिपकने का मौका मिलता है क्या? तब आपको इस सूत्र से आपको एक ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो उपोषित के शील धारण करते हैं इस उपोषित के शील के कारण ये जो संलेख जो है ये संलेख धर्म की पुष्टि के लिए सहायता मिलती है, तप करने के लिए बल मिलता है करके आपको चिंतन करके देखोगे तो पता चलेगा। देखो भगवान भविष्य में आगे कहते हैं कि परे व्यापन्न चित्ता भविष्यन्ति, हिंसक प्रवृत्ति से हिंसक चित्त से जीते हैं, मयमेत व्यापन्न चित्ता भविष्यामाति संलेखो करणीयो, मैंने ऐसा दृढ़ संकल्प करना चाहिए ऐसा तप करना चाहिए कि मैं हिंसक चित्त को दूर करके रखूंगा, अपने मन में हिंसा के चित्त को नहीं रखूंगा। वह उसके बाद में परे मिथ्या दृष्टि भविष्यति, दूसरे मिथ्या दृष्टि में लगे हुए हैं, मैं सम्यक दृष्टि को धारण करने का संकल्प कर लूं। मिथ्या संकल्पा भविष्यति, दूसरे मिथ्या संकल्प में हैं, अलग अलग ऐसे गलत गलत संकल्प ले लेते हैं कि आप चिंतन नहीं कर पाओगे। यदि हम भी उसी में अभी तो इस वर्तमान समय में इस गलत तरीके के चिंतन को करने वाले हैं, है ना, तो संकल्प लेते। देखो आप लोग एक एक समय में भारत में ही एक ऐसी बात चली थी कि बुद्धं शरणं गच्छामि यानी मैं अपनी बुद्धि को शरण जाता हूँ, सुना था ऐसी बात को, ऐसी मिथ्या की बात लोग भारत में फैली हुई थी। धीरे धीरे भिक्षुओं ने उनको सुधारा, कहा कि वो बुद्धि की शरण में जाना नहीं है, बुद्ध की शरण में ही जाना है करके, अपनी बुद्धि की शरण में जाए तो हम जो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो भी तो बुद्धि उस तरह से विनाश की ओर ले जाने वाली होगी, तो उस बुद्धि की शरण। तो ऐसी मिथ्या दृष्टि के साथ मिथ्या संकल्प जो जागते हैं इन्हें छोड़कर सम्यक संकल्प जो है भगवान ने जो सम्यक संकल्प बताया आर्य अष्टांगिक मार्ग में, ऐसे संकल्प का दृढ़ निश्चय कर ले मैं ऐसा तप करूंगा कि ये संकल्प मेरे हो, निकम्म संकल्प हो अहिंसा संकल्प हो करके जो बताया गया है उसमें उन संकल्पों को देखना है। अव्यापाद संकल्प ऐसे तीन संकल्पों के बारे में बताया है उसमें, तो उन संकल्पों को धारण करना है।
उसे फिर कहा है, मिच्छा वाचा, दूसरे लोग मिथ्या वाणी को बोलते हैं, झूठ व्यर्थ की बात बकवास आदि, जो झूठ मिच्छा वाणी वाणी जो है उसे मैं मिच्छा वाणी का संकल्प, मैं सम्या वाचा सम्यक वाणी का मैं अभ्यास करूंगा ऐसा संकल्प, मिच्छा कर्मन था दूसरों का कर्मांत तो मिथ्या है, दूसरे के कर्म जो है मिथ्या है, मैं सम्यक कर्मांत का अभ्यास करूंगा, दूसरे मिच्छा आजीवा भविष्यन्ति, दूसरों की आजीविका झूठी है गलत है, मैं सम्यक आजीविका से जीवन जीऊंगा, मिच्छा व्यायामा भविष्यन्ति, दूसरे मिथ्या व्यायाम से अभ्यास से जीवन जीते हैं प्रयास करते हैं, मयमेत सम्मा वाचा भविष्यामि, मैं सम्यक व्यायाम करने वाला व्यक्ति बनूंगा ऐसा संलेख करना है करणीयो, दूसरे मिथ्या स्मृति से जागते हैं, मैं सम्यक सती का अभ्यास करूंगा, दूसरे मिथ्या समाधि का अभ्यास करते हैं, मैं सम्यक समाधि को करने का तप करूंगा दृढ़ निश्चय करूंगा, परे मिच्छा ज्ञानी भविष्यन्ति, दूसरे मिथ्या ज्ञान को पाने की बात करते हैं, मैं सम्यक ज्ञान को सम्यक ज्ञान को पाने के लिए कोशिश करूंगा, उसकी उसका तप करूंगा, उसकी साधना करूंगा, दूसरे मिच्छा विमुक्ति भविष्यन्ति, दूसरों की विमुक्ति जो है मिथ्या है, आप देख लो ये मिच्छा ज्ञानी परम ब्रह्म को पाने के लिए हो जाए, या फिर ऐसा चिंतन करना शुरू कर जाए कि मैं तो ज्ञान हूं, तो जिन्होंने वेदों को ध्यान जान लिया है, जिन्होंने आध्यात्म को उस तरह से जान लिया है करके, तो उस वो ज्ञानी हो गया है, उसको सब कुछ प्राप्त हो गया ऐसा समझा जाएगा, ऐसा नहीं, धर्म का अभ्यास सम्यक ज्ञान जो है कि संपूर्णतः विमुक्ति को बोध करने के लिए जो ज्ञान है उस ज्ञान के बारे में भगवान ने कहा, बाकी का ज्ञान नहीं, दूसरे मिच्छा विमुक्ति से जीते हैं, मैं सम्यक विमुक्ति से जीऊंगा करके क्या है भगवान, तो ये जो है कि संपूर्णतः राग द्वेष मोह से मुक्त होकर जो जीना है उसे कहना कहते हैं सम्मा विमुक्ति सम्यक विमुक्ति, दूसरों की विमुक्ति कैसे है कि इस लोक से मृत्यु होकर वैकुंठ चले जाए कि भैया मुक्त हो गया, पर ब्रह्म से आत्मलीन हो जाए तो मुक्त हो गया, विमुक्ति मिल गई मोक्ष मिल गया ऐसा नहीं है, गंगा जी में अस्थियों को बहा दिया तो मोक्ष मिल गया ऐसा नहीं है, वो मुक्ति नहीं है, सम्यक विमुक्ति वो है जो संपूर्ण दुख को दूर कर दे, पुनः जन्म को दूर कर दे, ऐसी सम्यक विमुक्ति, ऐसी विमुक्ति को पाने का दृढ़ संकल्प उसे कहते हैं संलेख, उसे फिर भगवान ने आगे बताया धर्म के बारे में क्या कहा है, परे थीन मिद्ध परियुठिता भविष्यन्ति, दूसरे लोग आलस में आलस्य के भाव में बैठे रहे, ठीक है, मैं आलस्य से दूर होकर आलस्य को छोड़कर मैं विगतथी नमिद्धा ऐसा संकल्प लेता हूं, दृढ़ संकल्प करता हूं, परे उद्धता भविष्यन्ति, दूसरे जो है वह चित्त जो बार बार उचकते रहता है भागते रहता है ऐसा भागने वाला जो चित्त है उद्धत कुछ कुछ करके जो कहा है, वो ऐसा जीवन जीते हैं लोग कि अभी यहाँ क्षण भर के लिए मन यहाँ बिठा दिए, इसकी भजन कर लिए उसका भजन कर लिए, फिर वहां से उठकर दूसरी तरफ चले जाए उसका चिंतन कर लिया उसका वो, वैसा नहीं, ये जो है कि मैं अपने चित्त को एक जगह पे स्थापित करूंगा बुद्ध के ऊपर श्रद्धा के लिए धर्म के बोध के लिए ऐसा संकल्प करना है, परे विचिकिच्छी भविष्यति, दूसरों में विचिकिच्छा है अलग अलग प्रकार की शंकाएं हैं संशय है, मैं निसंशय होकर कोई भी शंका के परे रहने का धर्म के प्रति जो भी शंका है इन शंका को दूर कर कर मैं निशंश शंका रहित होकर जीने का संकल्प करता हूँ, इस तरह से वह संलेख करता है, इस तरह से वो तप करता है साधना करता है, सोच लो एक एक चीज का दृढ़ संकल्प कर कर यदि वो साधना के अभ्यास से कर रहा है तो उसे इस संसार में व्यर्थ का कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, वो केवल धर्म की साधना में रत रहेगा, व्यर्थ कुछ नहीं कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है वो धर्मानुकूल ही करने वाला व्यक्ति होगा। उसके बाद में कहा है कि दूसरे जो है वह कोदना भविष्यन्ति,
क्रोध से जीते हैं, मैं अक्रोध से जीऊंगा। दूसरे जो है उपनाही है, मैं अनुपनाही बनूंगा, यानी पाखंड के साथ जो जीते हैं मैं पाखंड नहीं करूंगा, मैं पाखंड के बगैर जीऊंगा। लोग कहते हैं कि हम तो बुद्धिस्ट बन गए तो हमारा पाखंड खत्म हो गया करके, परंतु ऐसा नहीं है। कई बार बुद्ध के धर्म को लेकर ही अलग अलग तरीके से पाखंड को उबा खड़ा करने की कोशिश जो की जाती है, वो भी पाखंडी जीवन ही है। बाकी बाकी जो सारे त्योहार को बुद्ध के नाम से स्वयं आनंदित करने के लिए, जो कि मैं तो बुद्धिस्ट हूं ऐसा बोलकर, जो कुछ भीतर में दूसरा ही कुछ चल रहा है, ऐसा जो पाखंड है। तो ये जो है कि मैं उपनाही, तो दूसरे उपनाही है पाखंड कर रहे हैं, मैं पाखंड नहीं करूंगा ऐसा संकल्प करना होता है, ये संकल्प बड़े कठिन काम है, बड़े कठिन काम है। पहली पीढ़ी जो थी बोधिसत्व के बाद, कि धर्म को धारण करने के बाद जब बोधिसत्व ने कहा था त्याग दो ये सब मिथ्या को, तो लोगों ने अपने घरों से ये सारा का सारा नदियों में बहा दिया था, फेंक दिया था। पहली पीढ़ी निकल गई बड़े कट्टरपंथी से जिए, दूसरी पीढ़ी के बाद अरे बाकी सब तो दुनिया कर रही है, तो पीछे के दरवाजे से धीरे धीरे जो फेंकी हुई चीजें थी वो पुनः घर के अंदर आने लगी, है ना, वो आने लगी। इस तरह का पाखंड विकृत जागते रहा। तीसरी पीढ़ी अभी, तीसरी चौथी पीढ़ी जो अभी चल रही है, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी हमको चल जाएगा वो भी हमको चल जाएगा, ऐसे दोनों नावों पर पैर रखने की बात कर कर जो चलते हैं। तो ये जो है ये पाखंड, इसको निकाल देना चाहिए। दूसरे जो है परे मक्खी भविष्यन्ति, मक्खी यानी मन में डाह रखने वाले, यानी दूसरों के प्रति जो है वो एक कठोर सा ऐसा पकड़ कर रखने वाला जो भाव रखते हैं वो रखने वाले, मैं ऐसा भाव नहीं रखूंगा। परे पलासी भविष्यन्ति, मयमेत्था पलासी भविष्यामाति शल्येको करणीयो, कि दूसरे जो है निष्ठुर है वैसा मैं जीवन नहीं जीऊंगा। दूसरे जो है ईश्व की भविष्यति, ईर्ष्या करने वाले हैं, मैं ईर्ष्या को छोड़ दूंगा। मैं दूसरे मत्सरी, मत्सर्य के साथ जीते हैं, मैं मत्सर्य रहित होकर जीऊंगा। दूसरे जो है सठा, ये जो है ना धूर्त, जो धूर्त शब्द जो है, धूर्त जीवन जीते हैं, मैं असठा जो है ऐसा, मैं धूर्तता को छोड़ने का निश्चय कर कर संलेख करता हूँ। दूसरे जो है मायावी, माया के साथ जीते हैं, मायावी पता है ना, कहने की बात अलग हो गई, करने की बात अलग हो गई, आडंबर के साथ भारी दृष्टि से तो धरकर चलने वाला जो माया है, ऐसी माया के साथ जीते हैं, मैं माया को छोड़ दूंगा करके ये जो संलेख है वह करना है। हद्दा भविष्यन्ति, यानी जड़ता जो है, धर्म के प्रति भी जड़ता आती है लोगों को, जीवन के प्रति भी जड़ता आती है, तो इसी जड़ भाव को छोड़कर अजड़ होते हुए जीवन जीना, ऐसा उसका संलेख करना है। परे जो है दूसरे जो है अतिमानी, दूसरे अतिमान के साथ अहंकार के साथ जीने जीते हैं, मैं इस अहंकार को छोड़कर जीऊंगा। दूसरे जो है दुर्वचन, वाणी जो है दुर्वचन करने वाले लोग होते हैं, मैं सुवच भविष्य, मैं सुवच मधुर वाणी का ही प्रयोग करने वाला बनूंगा करके संकल्पित होना है। दूसरे जो है अश्रद्धा, दूसरे जो है पमत्ता, पापी मित्ता, ये जो पापी मित्रों का जो सहायता लेकर जीने वाले लोग हैं, संकल्पवान होना है कि मैं केवल कल्याण मित्र की संकल्प करूंगा, कल्याण मित्र के साथ ही रहूंगा करके संकल्प लेना है। दूसरे पमत्ता है, प्रमादी है, मैं अप्रमादी होकर जीऊंगा करके कहा है। दूसरे जो है वह अहिरी का, दूसरे अश्रद्धा, अश्रद्धावान जीते हैं, मैं श्रद्धा के साथ जीने का संकल्प लेता हूँ। दूसरे अहिरी का है, यानी दूसरे पाप करने में कोई भय नहीं मानते, मैं पाप कर्म करने में भय मानने वाला हीरी के साथ जीऊंगा। दूसरे अनुतपी, लज्जित नहीं होते पाप करने कर्म करने, मैं पाप कर्म करने में लज्जा को करने वाला बनूंगा। दूसरे जो है वह अपश्रुता, बहुत अल्पश्रुत है, देखो अभी वर्तमान में ही देखो जितने लोग धर्म के बारे में बोलने वाले हैं, भिन्न भिन्न धर्म, सभी दुनिया में जितने धर्म है सभी के बारे में देखो,
बिल्कुल मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने शास्त्र का अभ्यास किया है, परंतु धर्म के नाम पर मैं ही धर्म का धर्म को धारण करके रखा हूं, मैं ही धर्म का रक्षक हूं करके कहते हुए सभी जितनी भी बातें उनका सबका खंडन कर क्रोध को जगाने वाले लोग हैं कि धर्म को तो मैं ही जानता हूं, ऐसा करने वाले हैं। देखो ना, ये जो इस तरह से देखा जाए तो ये धर्म को नहीं जानता, इसीलिए अधर्म को ही बताते फिरता है। हमें प्रण लेना है कि मैं धर्म को जानने वाला व्यक्ति बनूंगा। बुद्ध के बारे में बताते समय भी, बुद्ध के धर्म के बारे में भी चर्चा करते समय भी, यदि वो धर्म से उत्पन्न है, यदि वास्तव में वो यथार्थ तो बुद्ध की वाणी है, तो ही मैंने कहना चाहिए, अन्यथा नहीं कहना चाहिए। तो दूसरे अल्पश्रुत हैं, मैं बहुश्रुत बनने की कोशिश करूंगा, मैं धर्म का अधिक अधिक अभ्यास करूंगा, बुद्ध की हर वाणी को जानने का प्रयास करूंगा, उस तरह से करना चाहिए। दूसरे कुसीता भविष्यन्ति, दूसरे आलसी हैं, प्रमादी हैं, कुसित हैं, मैं कुशीतता को छोड़कर आरद्ध वीर्य के साथ, प्रबल प्रयास के साथ जीने का संकल्प लेता हूँ। दूसरे जो है मुठ्ठ सती मूढ़ स्मृति से, अरे कुछ नहीं जो भी है चले छाने दो, मैं स्मृतिमान होकर हर कार्य को करते समय, बोलते समय स्मृतिमान हूं, काम करते समय स्मृति से काम करूं, जीवन जीते समय मैं स्मृतिमान जीवन जीऊंगा। ऐसा नहीं कि अरे समय चला गया पता ही नहीं चला कि मैंने क्या किया, वैसा नहीं, स्मृति से जीने की कोशिश करूंगा, ऐसा संकल्प लेना सल्लेख कहा है भगवान ने। फिर कहा है कि दूसरे दुपन्या भविष्यन्ति, दुष्प्रज्ञ होकर जीवन जीते हैं, मैं पन्या संपन्ना भविष्यन्ति, मुझे प्रज्ञावान बनना है, ऐसा संकल्प लेकर मैं जीऊंगा। दूसरे संदिग्ध परामासी, दूसरे जो है आधा नग्गा ही दुप्पटी निसग्गो भविष्यति, ये जो दूसरे जो है भिन्न प्रकार के जो है कि क्या कह सकते हैं कि धर्म को छोड़कर जीने का जो अभ्यास है वैसे जीने वाले लोग हैं, मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा। दूसरे लोग जो है ये दिन ये प्रत्यक्ष जो लाभ चाहने वाले जो हैं, अभी ये व्यर्थ चिंतन करते हुए हठी दुराग्रही इन गुणधर्मों से युक्त है ना, ये जो दूसरे जो है कि दिवस कैसे बीत रहा है, रात कैसे बीत रही है, उस समय बिल्कुल गलत चिंतन चल रहा है, ऐसा चिंतन संपूर्णतः त्याग कर मैं धर्म के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करूंगा, ऐसा सल्लेख, ऐसा जो सल्लेख लेना है इसे कहा गया है बुद्ध शासन में सल्लेख, इसे कहा गया है दृढ़ संकल्प, इसे कहा गया है दृढ़ धारणा। तो बुद्ध शासन में सल्लेख है सभी अकुशलों को दूर कर कर, अकुशल जो करने वाले लोग हैं उनसे उनको छोड़कर धर्म के अनुसार इस संपूर्ण का दृढ़ संकल्प करना, धर्मवान जीवन जीने का संकल्प करना, इसे कहा गया है सल्लेख। ठीक है, इस सल्लेख को समझो, दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ धारणा को लेकर तप करना, तपस्वी का जीवन जीना, गृहस्थ रहते हुए भी हो भिक्षु जीवन जीते हुए भी इसका जीवन जीना, वह सल्लेख है। ये भगवान ने जो पांच भाग बताया उसमें से एक था। दूसरा है चित्तोत्पाद, चित्त का उत्पन्न, चित्तोत्पाद जो है अभी चित्त को उत्पन्न कराने के लिए, सुंदर बनाने के लिए जो बातचीत है, क्या है कि कैसे अपने चित्त को कुशल कर्म के प्रति चलाया जाए, कैसे अपने चित्त को कुशल कर्म के लिए ले जाने वाला बनाया जाए, उसके लिए बताया है। चित्तोपादम पिखो अहम चुंद कुशलेषु धम्मेषु बहुकारं वदामि, कि चित्त का उत्पन्न करना कुशल धर्म के लिए मैं बहुपकारी बताता हूँ, कोपनवादो कायन वाचाय अनुविधि यनासु, यदि कोई कायावाणी से करता है तो उसके बारे में और कहना ही क्या, यानी मन में भी केवल कुशल करने की चेतना जाग जाती है वो भी बहुत लाभ देने वाली है, बहुपकारी है हमारे धर्म के जीवन के लिए।
समय समय पर कुछ अच्छा चिंतन हमारे मन में जागता है। भगवान ने इसकी प्रशंसा की, कहा है कि यदि किसके मन में भी यह कुशल धर्म के लिए जो चित्तोत्पाद भी जागता है, छोटे चित्त जागता है कुशल का, तो वह कुशल धर्म के लिए बहुपकार है। हम सभी अच्छा करना चाहते हैं, इस कुशल धर्म को करने के लिए बहुपकारी है। यदि कोई काया और वाणी से कहता है तो उसका कहना है क्या, वो तो मंगल ही मंगल है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो क्या क्या कैसे कैसे चित्त को उत्पन्न करना चाहिए, तो ये जो 44 प्रकार बताए थे इसमें कौन कौन से, कि दूसरे हिंसक विहिंसक है, मैं अविहिंसा का अभ्यास करूंगा, ऐसा चित्त उत्पन्न करना है। पहले दृढ़ संकल्प हो गया ना, उसी तरह से ये चित्त का जो है, मैं ऐसा चित्त उत्पन्न करता हूं कि मैं अहिंसा के साथ जीव, दूसरे प्राणी प्राणियों की प्राणातिपाती है, मैं प्राणातिपाती नहीं, अधीनादायी, मैं अधीनादायी बनूंगा, दूसरे अब्रह्मचारी है, मैं ब्रह्मचर्य का जीवन जीऊंगा, दूसरे जो है मूसावादी है, मैं सत्यवादी बनकर जीवन जीऊंगा, ऐसा चित्त में उत्पन्न करना है। काया वाणी से अभ्यास करने के बारे में, तो कुशल धर्मों के लिए, कुशलेषु धम्मेषु बहुकारं वदामि, कुशल धर्मों के लिए हमने क्या कहा है, भगवान की वाणी में क्या आता है कि जितना भी है ये कुशल अकुशल जो है, इनका बैलेंस है सुख और दुख में, पाप और पुण्य में, है ना। तो कुशल धर्म के लिए चित्त में चेतना जाग जाए, चित्त में ये भाव जाग जाए, तो वह कुशल धर्मों के लिए बहुत उपकारी होता है, उससे पाप धर्म खत्म हो जाते हैं। तो इन पाप को दूर कर कर कुशल धर्म को जगाना जो है, ये चित्त में ये भाव जागना है, ये कुशल धर्म के लिए है, तो इनको ध्यान में रखो। एक एक कर कर पिसुना वाचा संपप्पलापा हो गया है, उसके बाद में अभिज्जालु हो गया, व्यापन चित्ता हो गया, मिच्छा दिट्ठि हो गई, मिच्छा संकल्प हो गया, इस तरह से जितनी भी 44 प्रकार की बातें इस समय बताई गई थी, अभी जो हमने विस्तार किया, वो पूरा का पूरा छोड़कर उसी के अपोजिट में जो धर्म की बात कही थी, इसको करने के लिए, आत्मसात करने के लिए मन को प्रेरित करना, उसे कहा है चित्तोपाद, चित्त का उत्पाद, चित्त को कुशल कर्मों की ओर ढकेलना, ये करना कुशल धर्म के लिए बहुपकार है, बहुत उपकार करना, ऐसे मन में भाव जागना। ये फिर उसमें कहा गया है, से यथापि चुंद विषम मार्गो, कोई एक कठोर मार्ग, दूसरा बहुत ही भयानक मार्ग है, तस्य अन्यो समो मार्गो परिक्रमणाय, एक है कठोर मार्ग है जहां से जाना है, पर उसी की तरह से बाजू से बिल्कुल सरल रास्ता जो निकल के जाता है, ऐसा भी एक मार्ग है ना। तो उस विषम तीर्थ है, जैसे कोई एक क्षेत्र है जहां पर बड़ा ही दुष्कर भाव है, वहां पर एक सरलता से पहुंचकर किया जाना तीर्थ जो है समतीर्थ, तो ऐसे तीर्थ को जाना भी जो है, यानी दोनों प्रकार के दृष्टियां है, एक पाप की ओर ले जाने वाला धर्म, एक एक पुण्य की ओर ले जाने वाला धर्म, देखने में समान है, शब्दों में समान है, विहिंसक कहा गया है तो उसमें अविहिंसा कहा गया है, उसमें पानातिपाती कहा है, उसमें प्राणातिपात को छोड़ने वाला व्यक्ति कहा गया है, पानातिपाता वेरमणि कहा गया है, उसमें अदीनादायी कहा गया है, इसमें है दीनादायी कहा गया है, ये जो है वेरमणि के साथ में जीने वाला जो जीवन है, वो है शब्दों में समान, परंतु एक पाप करने वाला है, एक कुशल करने वाला है, तो ये दो अलग अलग रास्तों में से एक जो रास्ता अपने लिए है, उस रास्ते का इस्तेमाल करना है, उसके लिए जो चित्त को जागना है, उसके लिए चित्त का जो बढ़ना है, उसे कहा है भगवान ने कि चित्तोपाद। फिर आगे भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो जितने भी अकुशल धर्म है चुंद, ये अधोभाग गमनीय, ये नीचे की ओर ले जाते हैं, जितने भी अकुशल धर्म है, जितने भी अकुशल धर्म है वह अधोगामिनी है, यानी निरय की ओर, पाप कर्म की ओर लेकर दुख भोगने के ले जाने वाले धर्म है, ये केचि कुशला धम्मा सभ्य ते उपरि भाग गमनीय, जितने भी कुशल धर्म है वे सब श्रेष्ठत्व की ओर ले जाने वाले हैं। भगवान ने क्या क्या बताया, संलेख बताया, संलेख के बाद क्या बताया, चित्त को था, चित्त जो है चित्तोत्पाद, कि मन को कुशल कर्म में स्थापित करना, उसके बाद में है परिक्रमण पर्याय,
मार्ग के बारे में कि दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता है, गलत रास्ता है, इनमें से गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते का अभ्यास। उसके बाद में कहा है उपरि भाव पर्यायो, कि ऊपर की ओर ले जाने वाला तो क्या है, ये जो अकुशल है यह अकुशल अधोगमनीय है, नीचे की ओर ले जाने वाला है, कुशल जो है ऊपरी मार्ग ऊपर ले जाने वाला है, ऊपरी भाग गमनीय है। तो ये कैसे है, तो ये सारी गंदगियों को दूर कर कर, जो 44 प्रकार की गंदगियां बताई हैं उसे दूर कर कर कुशल की ओर ले जाने वाला जो भाव, उसे फिर कहा है भगवान ने चुंद को कि चुंद सोवत चुंदो आत्तना पलीप 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 पलीपन्नो परंग पलीप पलीप पलीपन्न उद्धरिष्यति नेतं ठानं विज्यति। दूसरे जो है यह लिप्त होते हुए, या फिर ऐसा समझो कि संसार में रत होकर, इस संसार में बंधते हुए जो जाने का जो भाग है, तो हमने क्या करना चाहिए कि इससे बंधन में न बंधते हुए, इसमें से न जाते हुए, उद्धार के लिए, ऊपर जाने के लिए, मुक्ति के लिए जो है, उस धर्म के लिए हमने चिंतन करना चाहिए। सोवत चुंद अत्तना अदत्तो अविनीतो अपरिनिब्बुतो परं दमिष्यति विनेष्यति परिनिब्बा परिनिब्बा पिसन्ति इति नेतं ठानं विजयति, कि हमने अपने आप का दमन करते हुए, अमीनता को दूर करते हुए, निर्वाण के लिए चलते रहने का अभ्यास करना चाहिए है। सोवत चुंदो अत्तना दंतो विनीतो, अपने आप का दमन कर कर, अदंत होकर हम जो जिल रहे उसको दूर कर कर, मैंने अपने आप का दमन करते हुए धर्म के अनुसार परिनिर्वाण के लिए, परिनिर्वाण को पाने के लिए हमने चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए भी करना क्या है, तो यही 44 प्रकार की जो मिथ्या है इनको दूर कर कर, धर्म के अनुसार जो 44 प्रकार के धर्म से जागृत चीजें हैं इनका अपने अभ्यास करना चाहिए। तो भगवान कहते फिर इति खो चुंद देसी तो मया सल्लेख पर्यायो, हे चुंद मैंने तुम्हें सल्लेख के बारे में, दृढ़ संकल्प के बारे में, दृढ़ तप साधना के बारे में उपदेश दिया है। देसी तो चित्त पाद पर्यायो, मैंने तुम्हें चित्त को बढ़ाने के लिए, कुशल कर्म में चित्त लगना चाहिए इसके लिए धर्म का उपदेश किया है। देसी तो परिक्रमण परिक्रमण पर्यायो, मैंने परिक्रमा के बारे में, मार्ग के बारे में जो है, ये जो सही मार्ग है ये गलत मार्ग है, इन दोनों मार्ग के बारे में तुमको धर्म का उपदेश दिया है। गलत मार्ग को छोड़कर सही मार्ग का इस्तेमाल करने के लिए बताया है। देसी तो ऊपरी भाग पर्यायो, मैंने तुम्हें ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग जो है, मुक्ति की ओर जाने वाला जो मार्ग है, ऐसे मार्ग के बारे में, मार्ग का उपदेश देकर भी मैंने तुम्हें धर्म का उपदेश दिया है। देसी तो परिनिब्बान पायो, परिनिब्बान पर्यायो, मैंने परिनिर्वाण के लिए जो उपयोगी हो, परिनिर्वाण को पाने के लिए जो काम करने चाहिए, इनके बारे भी मैंने तुम्हें धर्म का उपदेश दिया है। यंखो चुंद हे चुंद सत्थारा करणीयं सावकानं हितेशिना अनुकंपेन अनुकंपं उपादाय, कि किसी शास्ता ने अपने श्रावकों के प्रति हित, यानी जो करुणा से, मैत्री से अनुकंपित होकर उनके कल्याण के लिए जो धर्म का उपदेश करना चाहिए, कतं वो तं मया, मैंने वो तुम्हें दिया है। ये जो सल्लेख सूत्र है इसमें भगवान ने ये सल्लेख पर्याय से, सल्लेख पर्याय से, चित्तोपाद पर्याय से, परिक्रमण पर्याय से, उपरी भाग पर्याय से और परिनिब्बान पर्याय, ये 5 प्रकार से धर्म का उपदेश दिया है। ये जो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, कि चुंद किसी शास्त्र द्वारा, किसी गुरु द्वारा अपने शिष्य के प्रति हित से, उसके प्रति जो उसके कल्याण की इच्छा से, अनुकंपा से जो उपदेश करना चाहिए, वो मैंने कतंग वो मया कतंग वो तंग मया, मैंने वो उपदेश तुमको अभी दिया है। फिर भगवान क्या कहते हैं, एतानि चुंद रुक्ष मूलानि, हे चुंद यह रुक्ष मूल है, एतानि शून्यागारानि, यह शून्यागार है,
झायत ध्यान करो, चुंद माप मादत प्रमाद मत करो, माप पच्छा पट पच्छा विपटी सर सारणियो अहुत कि बाद में तुम यदि ऐसा कि पश्चाताप न हो ऐसा धर्म का अभ्यास करो। देखो कितना सुंदर भगवान ने कहा है कि भिक्षु भिक्षु मैंने तुम्हें जो गुरु के द्वारा जो कहना चाहिए वो सब सिखा दिया है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, अब तुम्हें इसका अभ्यास करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए कि वृक्ष मूल है, शून्यागार है, एकांत है, ध्यान करते हुए प्रमाद को छोड़कर अप्रमादी होकर अभ्यास करना चाहिए। और चिंतन क्या करना चाहिए कि किसी भी तरह से मुझे बाद में पश्चाताप न हो कि अरे तब मेरे पास समय था, मैं धर्म का अभ्यास कर सकता था पर मैंने नहीं किया, अभी समय निकल गया है। इस तरह से चिंतन करना चाहिए। तो मुझे 10 मिनट का समय दो, मैं बात करता हूँ। तो उस तरह से भगवान भगवान ने चुंदक को बताया कि ये हमने कर दिया है करके, अब बचा क्या है तुम्हें कि तुम्हें अभ्यास करना है। अयं को अम्मा का अनुशासन, ये मेरी तुम्हें अनुशासना है, ये मेरी तुम्हें आज्ञा है। इदम वोच भगवत तमना यस्मा महाचुंदो भगवतो भाषित अभिनंदित अभिनंदिति, कि भगवान के इस वाक्य का कथन सुनकर चुंदभंते जी ने बहुत ही श्रद्धा मन से उसका अनुमोदन किया। तो इसमें भगवान बुद्ध जी ने धर्म का बड़ा ही सुंदर तरह से चतुर्तालिस पदावुत्था 44 प्रकार का धर्म का उपदेश दिया है। संदयो पंचदेशिता 5 प्रकार से इसका उल्लेख दिया है, इसका धर्म का उपदेश दिया है। सल्लेखो नाम सूत्र, तो यह सल्लेख नाम का सूत्र है। गंभीरो सागर रूपमा, यह गंभीर सागर की तरह विशाल धर्म का उपदेश है। ये जो है इस बात को ध्यान में रखो, ये सल्लेख सूत्र को, इस सूत्र को पुनः एक बार सुन लेना, एक बार पुनः सुन लेना, 2-3 प्रकार से सुन लेना। मैंने इसमें सभी पाप कर्म के बारे में थोड़ा लिख कर रखा है, ये 44 प्रकार। तो मैं इन 44 प्रकार को आपकी धर्मदेश इस कल परसों जो भी 2-3 दिनों में लिखकर इन इन तरह से भगवान ने धर्म का उपदेश चिंतन के लिए बताया करके एक शॉर्ट समरी बनाने की कोशिश करता हूँ, और उसे आप 2-3 बार पढ़ो कि हाँ ये धर्म मुझे नहीं करने चाहिए, धर्म करने चाहिए। पर विशेष तरह से ध्यान में रखो धर्म के प्रति ये संपूर्ण उपदेश है जो बताया गया है, धर्म का इसी के सहारे संपूर्ण धर्म स्थिर है। कहा गया है कि ये सल्लेख नाम का सूत्र गंभीर है, सागर रूप से है, तो उसका अभ्यास करो, ठीक है। तो ये जो सूत्र का उपदेश है आप सभी को इस बुद्ध शासन में इस 44 प्रकार के बताए गए धर्म के उपदेश को, 5 प्रकार से जो मुक्ति का मार्ग है, इस सल्लेख सूत्र को आप सभी को अनुमोदन करते हैं। ये सारा सूत्र आप सभी को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, दृढ़ संकल्पवान हो जाने के लिए, चित्त को जगाने के लिए, धर्म मार्ग पर आरूढ़ हो जाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।